अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं सबके। वेलकम टू माई चैनल सैयद शहवार। यकीनन सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं फिर एक व्लॉग लेकर आपके सामने आई हूँ। हम लोग बिलो 5 जा रहे हैं, हम जर्जी सिटी में रहते हैं और ये हमारा जर्नल्स केयर है। आई लव माई जर्नल्स केयर। मुझे ये जगह इतनी प्यारी है कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे दूर होके शायद मेरा सांस बंद हो जाएगा। हम इससे दूर जाते नहीं हैं, इस एरिया के करीब करीब रहते हैं। और अब हम 5 बिलो आए हुए हैं और ये इतनी ज़बरदस्त जगह है। पहले मुझे इसके बारे में नहीं पता था, ये अभी मुझे फ़ातिमा ने बताया और वो हम लोगों को लेके गई। और जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहनें इकट्ठी जाती हैं और हमारे साथ हमारी मामा होती हैं। तो अब हम गए और इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आपको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि सब ऑलमोस्ट $5 में था और इतना अच्छा था। कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं जो कि $5 वर्थ नहीं करती थी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ऐसी थीं जो कि $5 बहुत अच्छे से वर्थ करती थी। बल्कि मुझे लगता था, बल्कि लगता नहीं था, ये है डिफरेंट अदर स्टोर्स में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा $5 की नस्बत तो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। और ये इतनी अच्छी ज़बरदस्त चीज़ें थी, क्या ही कमाल है, मज़ा आ गया शॉपिंग करने का। ऐसे लूट मार मची हुई थी और हमने ख़ुद सब ने ऐसे लूट मार करके सब कुछ लिया। और बच्चे इतने खुश थे क्योंकि बच्चे हर कुछ ले सकते थे क्योंकि उनको किसी ने भी मना नहीं करना था। मैं वैसे अक्सर बच्चों को ज़्यादा चॉइस लेने नहीं देती हूँ, मैं तो बस एक दो ही लेके देती हूँ, लेकिन खाला इनके साथ होती हैं तो ये बेतहाशा चॉइस लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा तो इनको ऐसा लग रहा था कि मम्मा भी मना नहीं कर रही। बहुत मज़े से इन सब ने शॉपिंग की, हम सब ने शॉपिंग की, मैंने भी शॉपिंग की और कमाल हो गया। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें थी और अंडर 5 और यहाँ $5 की और इतनी मज़ेदार, बहुत मज़ा आ रहा था शॉपिंग करने का। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि ये आउट ऑफ रेंज है। और बच्चे तो इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, सब कुछ ही ले रहे थे। और ये मेरा आदम नज़र आया था अभी, मेरा प्यारा सा एप्पल। और आप ये देखो, इतनी मज़े की चीज़ें थी, दिल खुश हो गया शॉपिंग करने का। सब कुछ हमने लिया, मैंने तो काफ़ी कुछ लिया, अपने मोबाइल कवर्स भी और डिफरेंट काइंड ऑफ जो भी कॉस्मेटिक स्टफ्स थे और बहुत कुछ। बहुत मज़ा आ रहा था। अब $5 से कम और क्या होता। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी कि लग ही नहीं रहा था। और सब कुछ दिल कर रहा था कि अब ये भी ले लें। और टॉयज भी इतने सारे लिए बच्चों ने, सब जो ये ले रहे थे वही कार्ट में डाली जा रही थी मैं, और मैं बिल्कुल भी नहीं इनको मना कर रही थी। हम सब बहुत मज़े से हर चीज़ ले रहे थे और ये इतनी अच्छी चीज़ें थी और इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। कोई ऐसी चीप ख़राब चीज़ें नहीं थी जो आप ऐसे लगे कि ये चीप है तो ये वर्थ नहीं कर रहा या ये अच्छा नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छा था और कॉस्मेटिक्स की चीज़ें तो बहुत ही अच्छी थी। टॉयज़ भी ठीक थे, अच्छे थे कि $5 का टॉयज़ अगर 3-4 बच्चे ले भी लेते हैं, एक बच्चा 3-4 टॉयज़ ले लेता तो वो कोई एक्सपेंसिव नहीं लग रहा था। वैसे ये बात है कि ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इतना ज़्यादा कार्ट अपना भर लेते हैं कि आराम से हम लोग 4-5 लोग थे और हम आई थिंक सो हम $400 या $500 तो दे के ही आए हैं। छोटा छोटा करके भी एक बंदे की कार्ट में $100 से कम तो कोई भी नहीं करता ना बाय चीज़ें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें करके $100 आराम से बन जाता है। $80, $85, $90 तो ऐसे ही बन जाते हैं। यही इन लोगों का बिज़नेस होता है कि छोटे छोटे और कितना कलरफुल चीज़ें होती हैं, इतना प्यारा लगता है, बहुत ज़बरदस्त। मुझे तो बहुत मज़ा आया। वैसे ही मुझे शॉपिंग करना, मुझे बहुत इन्जॉयमेंट लगती है और मैं हर टाइम शॉपिंग करने जाने के लिए तैयार रहती हूँ। किसी के घर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, हाँ शॉपिंग करना मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए $5 के शूज़ थे, शूज़ की तो मटीरियल $5 का नहीं है, जो पूरे का पूरा शूज़ उन्होंने $5 में लगाए हुए थे। बहुत ही अच्छी चीज़ें थी और बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बल्कि सबको ही अच्छा लगा। और सभी चाहते हैं कि हमें अच्छी चीज़ मिले और हमें इतने मनी भी स्पेंड ना करनी पड़े। लेकिन ये तो नहीं हम कह सकते कि ये बहुत हाई फाई चीज़ें थी, बहुत ही क्वालिटी इनकी बहुत ही हाई फाई थी। ऑब्वियसली $5 है तो आपको अब वो ब्रांडेड चीज़ें तो नहीं दे सकते ना, लेकिन $5 के लिहाज से चीज़ें बहुत ही बेहतरीन थी। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।